तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आज के कोने वीडियो में। एंड गाइस, आज के वीडियो में बेस्ट गेमिंग फोन बताने वाला हूँ। जी हाँ जी गाइस, जो बेस्ट गेमिंग फोन होने वाला है वो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी कि गाइस, जो गेमिंग के मामले में कौन से बेस्ट स्मार्टफोन होने वाले हैं अंडर 15,000, यानी कि गाइस 15,000 के अंदर कौन से बेस्ट स्मार्टफोन बनने वाले हैं आज की इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। बस गाइस, आपको करना क्या है, चैनल बनाए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना गाइस, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। यानी कि इसी तरह की वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चले गए बिना किसी टाइम वेस्ट करें, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस, पहले फोन की बात करते देख लेगा मोटरोला की तरफ से आने वाला है। एंड गाइस, इसकी फुल नेम की बात करते देख लेगा मोटरोला G54 होने वाला है। अगर गाइस इसकी स्पेसिफिक की बात करूं, यानी कि गाइस मैं आपको गेम परफॉर्मेंस कैसे चल जाता है, या फिर गाइस गेम वाइज, या फिर गाइस पे कौन से प्रोसेसर वगैरह देखने को मिल जाता है देख लेगा। अगर इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है मीडिया टेक डेमेसिटी का 7020 देखने को मिल जाता है, 8GB रैम देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, में अगर कैमरे की बात करें तो देख लेगा 50 मेगापिक्सल का 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि LED फ्लैश होगा। अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। अगर गाइस इसमें अगर डिस्प्ले की बात करें तो देख लेगा 6.5 इंच का IPS LED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 120Hz रिफ्रेश रेट रहेगा। एंड गाइस यहां पे देख लेगा इंटरनल मेमोरी की बात करें तो देख लेगा इसमें 128GB देखने को मिल जाता है, जो कि एक्सटेबल करके यहां पे 1TB तक ले जा सकते हो। बैटरी एमएच की बात करें तो देख लेगा इसमें आपको 6000mAh बैटरी देखने को मिल जाता है। जी हां जी गाइस, इसमें आपको 6000mAh बैटरी देखने को मिल जाता है। अगर वोट की बात करें तो देख लेगा 33 वोट का यहाँ पे चार्जर सपोर्ट करता है। और गाइस इसकी प्राइस की बात करें तो देख लेगा अंडर ये 15,000 के अंदर आता है। ये गाइस गेम वाइज बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यानी गाइस अगर इसमें आप गेम वगैरह भी रन करवाओगे तो गाइस काफी अच्छा स्मूथली काम करेगा। आपको ये देख लेगा इसको लेने के लिए आपको करना क्या है, अगर सिंपली गाइस इसकी और भी डिटेलिंग चेक करनी है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके चेक कर सकते हो। चले गए बिना टाइम वेस्ट कर, अब चले गए बात करते हैं दूसरे नंबर फोन की। तो गए दूसरे नंबर फोन की बात करें तो देख लेगा इसमें आपको Xiaomi Redmi 12 5G देखने को मिल जाता है। यानी कि इसमें आपको Redmi का फोन देखने को मिल जाता है। अगर इसकी स्पेसिफिक की बात करें कि गाइस गेम परफॉर्मेंस वाइज कैसा रहता है तो देख लेगा इसमें जो आपको स्पेसिफिक वगैरह देखने को मिल जाता है। तो गए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी परफॉर्मेंस से, तो देख लेगा इसमें आपको देखो परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, काफी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। अगर इसकी देख लेगा इस प्रोसेसर की बात करें तो Snapdragon का देखने को मिल जाता है, जो कि Snapdragon 4 Gen 2 देखने को मिल जाता है, 8GB रैम देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि LED फ्लैश के साथ आता है। अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो गाइस 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, 6.7 इंच का गाइस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 90Hz रिफ्रेश रेट रहता है। अगर गाइस इसमें अगर देख लेगा प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिल जाता है, 256GB यहाँ पे इंटरनल देखने को मिल जाता है। अगर गाइस इसकी बैटरी की बात करें तो देख लेगा इसमें आपको 5000mAh बैटरी देखने को मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे देख लेगा 18W का यहाँ पे सुपर फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, टाइप सी यहाँ पे चार्जर होने वाला है। एंड गाइस ये भी 15,000 के नीचे फोन आता है। जी हाँ जी गाइस, इसमें भी गाइस 16-17 हज़ार रुपये देखने को नहीं मिलता, सिर्फ 15,000 के अंदर आपको फोन देखने को मिलने वाला है। ये जितने भी फोन बताऊंगा गाइस सब आपको 15,000 के नीचे देखने को मिल जाता है। और भी डिटेलिंग चेक करनी है तो सबका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके चेक कर सकते हो। चले गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर फोन की, तो वो कौन सा होने वाला है। तो गाइस पहले ही मैं बता दूं, सारे फोन मैंने गाइस यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। ऐसा नहीं है गाइस कि मैं यहाँ वहाँ से वेबसाइट से यहाँ पे देख के बोल रहा हूँ, नहीं गाइस ये मैंने सारे फोन सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि गाइस बेस्ट फोन होने वाला है। देख लेगा जो तीसरे नंबर का फोन होगा यहाँ पे गाइस वीवो की तरफ से आने वाला, फुल नेम की बात करें तो देख लेगा Vivo 2TX यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। स्पेसिफिक की बात करें कि इसमें आपको प्रोसेसर वगैरह क्या देखने को मिल जाता है, देख लेगा इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है मीडिया टेक डेमेसिटी का 6020 देखने को मिल जाता है, 8GB रैम देखने को मिल जाता है, डुअल कैमरे के साथ आता है, जो कि गाइस 50 मेगापिक्सल का 2 मेगापिक्सल बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, फ्लैश लाइट आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। अगर गाइस डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाता है। गाइस अगर इसमें अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो देख लेगा 144Hz का यहाँ पर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और गाइस इंटरनल की बात करें तो देख लेगा 128GB इंटरनल देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस स्टेबल कर सकते हो 1TB तक। अगर गाइस इसकी बैटरी की बात करें तो देख लेगा इसमें 5000mAh यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिल जाता है। ये भी गाइस 18W का सुपर फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। एंड गाइस इसके अंदर भी आपको सी टाइप चार्जर देखने को मिलने वाला है। अब देख लेगा तीसरे नंबर का फोन है और ये भी गाइस 15,000 के नीचे आता है। अगर गाइस एक और ये चीज यहाँ पे याद दिला देता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियो बनाता हूँ, आपको गाइस मिलता रहेगा।
चलिए गाइस बात करते हैं चौथे नंबर फोन की, तो वो कौन सा होने वाला है। और गाइस देख लिया गाइस सब फोनों की बात करें, गाइस गेमिंग फोन की बात करते तो उसमें गाइस लावा को कैसे भूल सकते हैं। उसमें भी गाइस अगर आपको गेमिंग वगैरह खेलोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। सो गाइस इसका जो फुल नेम होने वाला है लावा ब्लेज 2 5G होने वाला है। ये नया ही फोन निकला है गाइस, इसमें गाइस आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाता है। अगर गाइस प्राइस पॉइंट की बात करते तो ये भी 15,000 के नीचे आता है। अगर स्पेसिफिक की बात करें कि इसमें आपको क्या क्या चीज देखने को मिल जाता है, देख लिया गया स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोसेसर से। तो इसमें जो आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, देख लिया गया मीडियाटेक डायमेंसिटी का 6020 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। 8GB रैम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गए डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 50MP का देखने को मिल जाता है। एंड गई यहाँ पे LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करें यानी कि गए फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। 6.7 इंच का IPS LED देखने को मिल जाता है। एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अगर गाइस इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 128GB देखने को मिल जाता है जो कि गाइस स्टेबल कर सकते हो 1TB तक। अगर गाइस इसकी बैटरी की बात करें तो देख लीजिएगा इसमें आपको 5000mAh बैटरी देखने को मिल जाता है। अगर वोट की बात करें तो 33W का यहाँ पर चार्जर सपोर्ट करता है और ये भी चार्जर सी टाइप सपोर्ट करता है। चलिए गाइस अब लास्ट फोन की बात करते हैं पांचवें नंबर फोन की, और जो इससे पहले वाला चौथे नंबर का फोन था ये भी 15,000 के नीचे आता है। सबका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हो। चलिए गाइस बात करते हैं पांचवें नंबर फोन की और इस वीडियो को लास्ट फोन होने वाला है। तो गाइस वीडियो को छोड़ने मत, लास्ट तक देखते रहना। अब देख लेगा पांचवें नंबर फोन की बात। गाइस देख लेगा पांचवें नंबर का फोन काफी ज्यादा स्पेसिफिक होने वाला है। यानी कि इस फोन को मैंने लास्ट में इसीलिए रखा था ताकि गाइस जो व्यूअर्स है वो लास्ट तक रुकेंगे तो उनको गाइस बेस्ट फोन देखने को मिल सके। देख लेगा चारों तो बेस्ट है बट गाइस इससे भी जो बेस्ट देखने में जाता है वो लास्ट वाला फोन है जो कि गाइस पांचवें नंबर का फोन है। बात करते हैं इसकी फुल नेम की तो देख लेगा टेक्नो पोवो 5 प्रो देखने को मिलने वाला है। अगर गाइस इसकी स्पेसिफिक की बात करें तो देख लेगा जो इसमें आपको स्पेसिफिक वगैरह देखने को मिल जाता है क्या क्या है। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके प्रोसेसर से, तो देख लेगा इसमें आपको प्रोसेसर जो देखने को मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी का 6080 देखने को मिल जाता है। 8GB रैम देखने को मिल जाता है। डुअल कैमरा के साथ आता है जो कि गाइस 50MP का 0.08MP का देखने को मिल जाता है। LED फ्लैश रहता है। सिंगल यहाँ पे सेल्फी कैमरा रहता है 16MP का होने वाला है। यानी गाइस सेल्फी कैमरा 16MP का होने वाला है। डिस्प्ले की बात करते हो 6.7 इंच का यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अगर हर्ट्ज की बात करते हो 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अगर गाइस देख लीजिएगा इसमें अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करते हो 128GB देखने को मिल जाता है जो कि गाइस स्टेबल कर सकते हो 1TB तक। अगर गाइस इसकी बैटरी की बात करते हो देख लीजिएगा इसमें 5000mAh आपको बैटरी देखने को मिल जाता है। 68W का यहाँ पर चार्जर सपोर्ट करता है। एंड इसमें भी आपको टाइप सी चार्जर देखने को मिलने वाला है। इस सारे के सारे गाइस यहाँ पर टाइप सी चार्जर देखने को मिलने वाला है। यानी कि गाइस अच्छे चार्जर है। आईफोन में भी देख लिया गाइस टाइप सी यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि गाइस जो आईफोन वाला चार्जर होता था वो नहीं है, यहाँ पर टाइप सी में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। तो गाइस टाइप सी चार्जर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है। अब गाइस देख लिया गाइस मैंने सारे फोन यहाँ पे आपको बता दिया। यानी कि गाइस टॉप जो फोन होता है वो मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया, 5 फोन बताए। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी और वीडियोस के लिए गाइस बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना। मिलता हूँ गाइस ऐसे कोई भी वीडियो के साथ, दमदार वीडियो के साथ। एंड सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। चलिए गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ गाइस नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत, देखते रहिए टेक4G।